आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल के बारे में, यानी कि महिंद्रा ASLV के बारे में। इस व्हीकल को इंडियन सोशल मीडिया पर भारत की हम्वी कहा जा रहा है। हम्वी का मतलब है हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील व्हीकल। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्म फोर्सेस का मल्टीपर्पज व्हीकल है और साल 2015 से इस व्हीकल को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। जो लोग महिंद्रा ASLV को हम्वी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि ये दोनों ही व्हीकल अलग अलग कैटेगरी के हैं और इनकी रिक्वायरमेंट काफी हद तक एक दूसरे से अलग है। महिंद्रा ASLV को बनाया गया है स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए या फिर हाई इंटेंसिटी एरिया में पेट्रोलिंग के लिए, साथ ही क्विक रिएक्शन टीम्स के लिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस व्हीकल के साथ पेट्रोलिंग करती है, तो जो दूसरी तरफ से बॉर्डर एक्शन टीम के कॉवर्डली एक्ट होते हैं, जिनमें वो एम्बुश लगाकर भारतीय सेनाओं के ऊपर हमला करते हैं, वो काफी हद तक अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। इस व्हीकल में बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लेवल B7 का है, यानी कि ये नॉर्मल पिस्टल राउंड से लेकर 7.62x51mm तक के फुल बैटल राइफल के राउंड के खिलाफ भी बड़ी ही आसानी से प्रोटेक्शन दे सकती है। लाइट आर्मर्ड व्हीकल के लिए नाटो का एक स्टैंडर्ड है जिसको कहा जाता है स्टैंग 4569। इसमें 6 लेवल के प्रोटेक्शन होते हैं और इस व्हीकल में स्टैंग लेवल 2 का प्रोटेक्शन है। लेवल 2 का अर्थ है ये व्हीकल 7.62x39mm की बुलेट, यानी कि AK-47 की बुलेट को 30 मीटर की दूरी से भी फायर करने के बाद भी इससे आसानी से बच सकती है। अगर बात की जाए ग्रेनेड और माइन ब्लास्ट की, तो ये 6 kg की माइन को भी आसानी से झेल सकती है। और अगर बात की जाए आर्टिलरी शेल की, तो अगर 155mm का हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी शेल 80 मीटर की दूरी पर गिरता है, उससे भी ये व्हीकल बड़ी आसानी से बच सकता है। अगर बात की जाए इस व्हीकल के लोड की, तो ये व्हीकल 4 का क्रू और उनके कॉम्बैट गियर्स को बड़ी ही आसानी से कैरी कर सकता है और उसके साथ ही 400 किलो का अतिरिक्त भार ये कैरी करने में सक्षम है। इस व्हीकल में यूज किया जाता है 3.2 लीटर का स्टायर इंजन। स्टायर मोटर्स एक ऑस्ट्रियन कंपनी है। ये 6 सिलेंडर का इंजन मल्टी फ्यूल है, यानी कि इस इंजन में अलग अलग तरीके का फ्यूल डाला जा सकता है। वैसे आमतौर पर ये एक डीजल इंजन है जो कि 212 BHP का पावर जनरेट करने में सक्षम है। अगर बात की जाए इसके टॉर्क की, तो ये इंजन 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में भी सक्षम है। इसके सभी व्हील्स में इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है और इंडिपेंडेंट ड्राइव है, यानी कि सारे व्हील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे व्हीकल्स टफ टेरेन में काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। इस व्हीकल में लॉकिंग डिफरेंशियल का प्रयोग किया गया है, यानी कि हर टायर में अलग अलग तरीके का टॉर्क भेजा जा सकता है, जबकि उनकी स्पीड सेम रहेगी लेकिन उनमें टॉर्क अलग अलग रहेगा। यानी कि टायर की स्पिनिंग स्पीड सेम रहेगी लेकिन उसकी टॉर्क ज्यादा होगी, जिससे ये टायर्स फंसते नहीं है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में कहा गया था कि इसको हम्वी के साथ कंपेयर नहीं करना है, लेकिन अगर इसको हम्वी के साथ कंपेयर किया जाए, तो हम्वी में 8 सिलेंडर का इंजन यूज किया जाता है, इसमें 6 सिलेंडर का। हम्वी का इंजन 6.2 लीटर का है, इसका इंजन 3.2 लीटर का है। दोनों ही व्हीकल्स की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इस व्हीकल के सेंटर में टायर इन्फ्लेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे ये टायर्स में हवा भर सकता है, लेकिन फ्लैट टायर्स पर भी ये व्हीकल 50 किलोमीटर तक चल सकता है। इस व्हीकल में एयर फिल्टरेशन सिस्टम और स्कैवेजिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। एयर फिल्टरेशन सिस्टम बाहर से हवा फिल्टर करके अंदर लेके जाता है और स्कैवेजिंग सिस्टम अंदर की हवा को सक करके बाहर ले जाता है। इस तरीके का सिस्टम केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक के दौरान काफी ज्यादा हैंडी हो सकता है। इस व्हीकल में एक गन हैश दिया है, जिसके ऊपर लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। टैक्टिकल रोल में ये एक बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है और आज की तारीख में लद्दाख जैसे एरिया में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। चाहे वो ITBP हो या इंडियन आर्मी, इस तरीके के व्हीकल के साथ पेट्रोलिंग काफी ज्यादा आसान हो जाती है और ऐसी टेरेन में इस तरीके के व्हीकल्स इंडियन आर्मी को कंसिडर करने चाहिए। इस व्हीकल को पर्सनल कैरियर, आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल, लाइट आर्मर्ड एम्बुलेंस, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, लाइट मोटर यूनिट, एमिनेशन कैरियर और लाइट वेपन कैरियर के तौर पे यूज किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।
आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।